गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है पॉलीमर जो है लैब में बनाएंगे, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पॉलीमर होता क्या है। देखिए पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स मॉलिक्यूल्स। मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर, राइट। देखिए पॉलीमर जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो कि प्रकृति में पाया जाता है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, रबर, जूट, कॉटन एसेट्रा। इसके अलावा फिर कुछ दूसरा पॉलीमर है, वो है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? द पॉलीमर विच इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, जिसको हम लैब में बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सिंथेसिस करेंगे, तो जैसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट, जिसका कमर्शियल नेम है, वो बनाएंगे। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसको बनाएंगे, ठीक है। और भी बहुत से होते हैं आपका सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे आपका पॉलीएथिलीन, पीवीसी, टेरिलीन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, ये सारे पॉलीमर्स हैं। देखो पॉलीमर का यूज़ भी हमारी लाइफ में बहुत है। देखना जिस ये बैकलाइट वगैरह, जैसे जो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह होते हैं, या ये हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, टीवी का कवर, बोनेट वगैरह, पेन, सन माइका, ये सब बहुत हमारी लाइफ में हर जगह आप देखिए, जैसे सारी पैकेजिंग जो होती है सब पॉलीमर प्लास्टिक से, पॉलीथीन से ही होती है। तो पॉलीमर का हमारी लाइफ में बहुत ही यूज़ है। तो आज हम लोग जो है सिंथेसिस करेंगे और हम बनाएंगे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। लैब में ही बनाएंगे, क्योंकि आज हम लोग प्योरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें काम करना है। जब भी रिएक्शन कराएंगे तो कीप योर फेस अवे फ्रॉम द रिएक्शन वेसल, अपना जो है फेस थोड़ा सेव करके, क्योंकि जब भी रिएक्शन कराएंगे तो इस पर ध्यान रहे कि हम उसकी हमारे हाथ पे या हमारे जो है उसकी हम इनहेल ना कर लें उसकी गैस को, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें करना है, ठीक है। तो बनाने के लिए देखिए रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, हमें ग्लाइसरल एसिटिक एसिड चाहिए, 40% फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, फिनॉल चाहिए, कंसंट्रेटेड एससीएल चाहिए, यूरिया के लिए यूरिया चाहिए और कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। सारी चीज़ें हमारी जो है प्योरली कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए हमने पहले बताया ध्यान से करना है। तो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब क्या है बेकेलाइट? बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटालिस्ट, ठीक है। बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के और बेसिक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और ये लीनियर एंड क्रॉस लिंक मटेरियल ऑब्टेन, एक जो है लीनियर क्रॉस लिंक जो है मटेरियल, मतलब कि सॉलिड पदार्थ में मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेकेलाइट, ठीक है, या बहुलक हिंदी में कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ये हमें बेकेलाइट मिलता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो फिनॉल है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, बेसिक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये चेन जो है मिलती है, ठीक है, क्रॉस लिंक चेन, मटेरियल ये है बेकेलाइट। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, फॉर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के लिए ग्लाइसरल एसिटिक एसिड, एक बीकर लेंगे, बीकर में हम 3 ml मेजिंग सिलेंडर से HCl नाप लेंगे और उसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो है 1.5 ml मेजिंग सिलेंडर से नाप के मिला देंगे। तो इन दोनों को मिलाने के बाद फिनॉल जो है 2 ग्राम इसको हम वे कर लेंगे और उसके बाद उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद तीनों चीज़ मिला देंगे तो उसके बाद एक ग्लास रॉड से उसको हम बहुत ही कांस्टेंट स्टेरिंग करेंगे, धीरे धीरे हिलाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ हमारी प्योरली कंसंट्रेट है, तो बहुत ध्यान से हिलाना है और अपने फेस से थोड़ा दूर रखना है। जब वो डिजॉल्व हो जाएगी फिनॉल कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, तब उसके बाद हम उसमें कंसंट्रेट HCl
बेसिक सिलेंडर से नापेंगे और उसमें धीरे धीरे मिलाएंगे, बहुत ही धीरे मिलाना है, बिल्कुल झटके से नहीं मिलाना, बहुत ही धीरे धीरे ग्लास आर्ट के सहारे मिलाएंगे और मिलाने के बाद उसको स्टेरिंग करते रहेंगे, कॉन्स्टेंट स्टेरिंग करते रहना है, चलाते रहना है उसको एकदम चलाते रहेंगे, और आवश्यकता हुई तो थोड़ा सा गर्म पानी में रख करके भी हम उसको थोड़ा सा हीट देंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे, तो देखेंगे कि एक हमें जो है सॉलिड मटेरियल प्राप्त होता है, एक सॉलिड मटेरियल प्राप्त होगा, वही हमारा क्या है बैकलाइट। उस सॉलिड मटेरियल को हम क्या करेंगे, एक पहले फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, एक कुनकल फ्लास्क लेंगे, उस पर फनल लगाएंगे और फिल्टर पेपर लगा करके उसको हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद उसका सॉलिड मटेरियल जो है हमने उसको अलग कर लिया, फिर उसके बाद उसको वाश करेंगे, वाश करने के लिए हम उसको जो है तीन चार पानी से डिस्टिल वाटर से उसको साफ करेंगे, धोएंगे तीन चार बार, धोने के बाद उसको निकाल करके ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, धूप में सुखा लें या ओवन में सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसको वे करेंगे, तो वे करने के बाद कितना उसका वेट है उसका वेट लिखेंगे, तो यहाँ पर फील्ड में उसका वेट कितने ग्राम आया ये लिखेंगे, और फिजिकल अपीयरेंस में उसका कलर कैसा है ये हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। उसके बाद इसी तरह हम यूरिया फॉर्मेट डीआईजेसी बनाएंगे, यूरिया फॉर्मेट डीआईजेसी बनाने के लिए एक बीकर में 40% फॉर्मेट डीआई सोल्यूशन 3 ml नाप लेंगे मेजिंग सिलेंडर से, और उसमें यूरिया मिलाएंगे, ठीक है, यूरिया जो है 1.5 ग्राम वे कर लेंगे, उसको मिलाएंगे और उसको डिजॉल्व करेंगे, डिजॉल्व करने के बाद उसमें कंसंट्रेट H2SO4 ड्रॉपर की सहायता से लगभग 8 बूंद मिलाएंगे और स्टेरिंग जो है करते रहेंगे, उसकी स्टेरिंग हमको जो है रोकना नहीं है, उसको चलाते रहिए, और उसके बाद देखेंगे कि आपको एक सॉलिड मटेरियल वाइट कलर का मिलेगा, उसको इसी तरह हम क्या करेंगे फिल्टर कर लेंगे, इसको ड्राई उसको जो धोएंगे साफ करेंगे, साफ करने के बाद उसको सुखाएंगे, ड्राई करवा कर लेंगे, ड्राई करने के बाद फिर उसके बाद उसको वे कर लेंगे, बैलेंस में वे करेंगे, सुखाने के लिए हम धूप में भी सुखा सकते हैं या ओवन में भी, और उसके बाद वे करने के बाद यहाँ पर उसका कितना ग्राम आया उसको वेट लिख देंगे, और उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा कलर है ये हम लिख देंगे वाइट कलर का आता है उसको। तो इस तरह हमने क्या किया कि यूरिया फॉर्मेट डीआईजेसी बना लिया और फिनॉल फॉर्मेट डीआईजेसी बनाया, ये लैब में बना करके हम दिखाएंगे आपको, आप लोग देखिएगा भी। देखिए आज हम लोग जो है बैकलाइट बनाएंगे फिनॉल फॉर्मेट डीआईजेसी, इसको बनाने के लिए हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए और फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, तो ये हमारा जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, प्योरली कंसंट्रेटेड है, बहुत संभाल के ही करते हैं हम लोग, इस तरह हम लोग ये हमने बॉटल खोली और इसको हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ले लिया थोड़ा सा, इसी तरह इसमें जो है हमने 40% फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको जो है हमको लेना है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, मेजिंग सिलेंडर से अब हम एक बीकर लेंगे और एक ग्लास राड, इन दोनों की सहायता से हम पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। पॉलीमर बनाने के लिए जो है ये बीकर में जो है हमने सबसे पहले ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना चाहिए हमें, एक मेजिंग सिलेंडर से हमने नापा ग्लेशियल एसिटिक एसिड 3 ml, प्योरली कंसंट्रेट है इसलिए बहुत ध्यान से करना है, पेड़ से थोड़ा दूर रखना है, देख रहे हैं नापा और जो बीकर लिया था उसमें डाल दिया। अब इसमें जो है हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है,
फॉर्मेल्डिहाइड है 1.5 mm, 1.5 mm फॉर्मेल्डिहाइड नापा हमने, ये 1.5 mm फॉर्मेल्डिहाइड नाप दिया, और उसी में हमने जिसमें एसिटिक एसिड मिलाया था फॉर्मेल्डिहाइड मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है 2 ग्राम, ये देख रहे हैं ये फिनोल, फिनोल है, इसको मैंने निकाल लिया है, इसमें इसको 2 ग्राम ले कर लेते हैं, ये मैंने निकाल लिया है, ये 2 ग्राम ये कर लिया हमने, ठीक है। करने के बाद इसी में हमने डाल, ये हमने 2 ग्राम फिनॉल जो है इसमें डाल दिया। डालने के बाद हमारे पास ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से हम इसको धीरे धीरे कांस्टेंट स्टेरिंग करेंगे, फेस अपना दूर रखना है, ठीक है, फेस दूर रखना है, बिल्कुल कांस्टेंट स्टेरिंग करेंगे और देखेंगे कि ये जो फिनॉल है ये इसमें अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। जब तक डिजॉल्व नहीं हो जाता इसको हम स्टेरिंग करते रहेंगे। इस तरह हम इसको स्टेरिंग करते रहेंगे। अच्छी तरह डिजॉल्व जानते हैं, स्टेरिंग कंटिन्यूसली करते रहना है, रोका नहीं है, इसको स्टेरिंग करते रहेंगे। स्टेरिंग करते रहेंगे, फेस से थोड़ा दूर रखेंगे, धीरे धीरे स्टेरिंग करते रहेंगे। ये देखें आप, अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा कंसेंट्रेट HCl है, इसको जो है 3 ml नापेंगे, और इसको ग्लास रॉड के सहारे देखेंगे, ग्लास रॉड के सहारे धीरे धीरे डालेंगे और स्टेरिंग कंटिन्यूसली करते रहेंगे, इस तरह स्टेरिंग करते रहेंगे, इसको थोड़ा गर्म में भी रख देंगे, ये गर्म पानी है,
सेक करते रहेंगे तो देखेंगे अभी कुछ देर में 25 मिनट में जो है इसको स्टेरिंग करते रहेंगे। ये सॉलिड मटेरियल इसमें आ गया है, थोड़ा सा देख रहे ना, ये आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे और निकाल लेंगे। इससे हम इसको जो है शेक करते रहेंगे और गर्म पानी में भी स्टेरिंग करते रहेंगे। देखते हैं कि हम एक सॉलिड जो है देख रहे हैं, एक सॉलिड जो है देख रहे हैं मिल रहा है। ये कलर तो इसमें पिंक का है लेकिन ये सूख जाएगा तो रेड इज ब्राउन हो जाएगा। देख रहे हैं एक सॉलिड जो है हमको मटेरियल मिल रहा है, यही जो है बेकेलाइट है। देख रहे हैं ना, ये बेकेलाइट है, यही सॉलिड मटेरियल जो है बेकेलाइट है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम जो है एक कुंकल फ्लास्क लेंगे, कुंकल फ्लास्क में एक फनल लगा देंगे। फनल लगाने के बाद एक फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर को इस तरह मोड़ लिया, आधा कर लिया। आधा करने के बाद ये होल्ड लगाया, मारने के बाद इसको इसमें रखेंगे। रखने के बाद ये जो हमारा मटेरियल है ये जो है इसमें हम गिराते हैं। देखो ये हमने गिरा दिया। आने के बाद इसको हम वाश वाटर से, ये हमारे पास वाश वाटर है डिस्ट्रिक्ट वाटर, इससे साफ करेंगे। देखते हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाटर से इसको दो तीन पानी से साफ कर लेंगे। देख रहे दो तीन पानी से इसको साफ कर लिया। साफ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जो है एक कागज से फिल्टर पेपर से निकाल लेंगे इस तरह। और ये हमने जो है इसको जो है मटेरियल सॉलिड मटेरियल हमें मिला है, उस मटेरियल को हमें निकाला। ठीक है, ये एक सॉलिड मटेरियल जो है देख रहे हैं, ये मटेरियल हमें मिला। अब इसको हाथ से छू सकते हैं क्योंकि हमने धो लिया है। अब इसको हमको ड्राई करना है, सुखाना है। अब इसको चाहे ओवन में सुखा दें या धूप में सुखा देंगे। सुखाने के बाद इसको क्या करेंगे, वेइंग मशीन पे हम इसको वेव कर लेंगे। ये वेइंग मशीन है उसमें हम वेव कर लेंगे। तो पहले तो इसको हम सुखाएंगे, सुखाएंगे इसको अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से सूख जाएगा ये सॉलिड मटेरियल या बेकेलाइट, तब उसके बाद इसको हम वेव करेंगे। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस जो अभी तो पिंक लग रहा है लेकिन अच्छी तरह सूख जाएगा तो इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सुखाएंगे। सुखाने के लिए अभी हम रख देते हैं इसको, ठीक है, धूप में। धूप में रखने के बाद कुछ देर बाद सुखाने के बाद इसको वे करेंगे। चलिए अब हम लोग जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने एक बीकर ले लिया, उसी तरह एक ग्लास रॉड ले लिया। लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, मेजिंग सिलेंडर से 40% फॉर्मेल्डिहाइड 3 ml लाते हैं। 3 ml फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया हमने, ये
और उसको ये बीकर में मिला दिया। और हम क्या करेंगे, हमारे पास है यूरिया, देख रहे हैं ये मेरे पास यूरिया है, इस यूरिया को हम 1.5 ग्राम जो है उसको तोड़ देंगे। निकाल दिया जो उसको 1.5 ग्राम जो है तोड़ना हमको। ये हमने चैंकर पहले से ये हमने 1.5 तोल लिया इसको, ठीक है। तोलने के बाद इस यूरिया को हमने फॉर्मल्डिहाइड जो लिया हमने, ये फॉर्मल्डिहाइड बीकर में ये लिया है, फॉर्मल्डिहाइड बीकर में लिया, इसको हमने मिला लिया। मिलाने के बाद इसको हम कॉस्टिंग स्टेरिंग करेंगे, इस तरह मिलाते रहेंगे अच्छे से डिजॉल्व कर लेना है। यूरिया जो है फॉर्मल्डिहाइड में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए, देख लीजिए ये जो है जब अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी तब इसमें हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, जो है देख रहे हैं ये हमने दो ही बूंद मिलाई, एक सॉलिड जो है देख रही है, सॉलिड जो है वो मिल गया, ये दिखाई पड़ रहा साहब सॉलिड देख रही है, ये सॉलिड हमको मिल गया है वाइट रंग का, ये देखना है आप, हम छुटा लेंगे जो इसके बीकर में चपक गया दीवार पे, इसको ग्लास आर्ट की सहायता से छुटा लेंगे। छुटाने के बाद एक कुंकर फ्लास्क लेंगे, कुंकर फ्लास्क में उसी तरह इसको हम फिल्टर करेंगे, एक खाने लगाएंगे और एक फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर को भी इस तरह हम दो फोट में, इसके बाद ये चार फोट में मोड़ लेंगे, इसका तीन हिस्सा एक तरफ रहेगा और एक हिस्सा एक तरफ रहेगा, इस तरह हम इसको खोल लेंगे और उसके बाद इसमें लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसी जो सॉलिड है हमारा इसको इसी में हम पलट देंगे, जो इसके दीवार पे चिपक गया है बीकर में उसको भी ग्लास आर्ट की सहायता से छुड़ा लेंगे, देखना है इस तरह जो है सारा जो सॉलिड मटेरियल है उसको मैंने ग्लास आर्ट की सहायता से छटा दिया और इसमें हम डाल देंगे। अब इसको हम वॉश करेंगे, वॉश करने के लिए हम डिस्टिल वाटर लेंगे, देख रहे हैं ये डिस्टिल वाटर है, इससे जो है इसको वॉश करेंगे। डिस्टिल वाटर से इस तरह हम उसको वॉश करते रहेंगे। वॉश करने के बाद अब इसको हम सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, करने के लिए कागज पे इसको हम निकाल लेंगे, ये कागज है, ये हमने कागज पे इसको पलट लिया, इस तरह पलट लेंगे, ठीक है, ये कागज पे हमने सॉलिड जो है हमें मिला है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ठीक है, ये इस पर हमें सॉलिड मिल गया, ये वाइट कलर का है, ठीक है, ये अब इसको हम हाथ से भी छू सकते हैं, हाथ से भी छू सकते हैं क्योंकि इसको मैंने वॉश कर लिया है, ये सॉलिड जो है देख रही है, ये सॉलिड जो है मिल गया, ये वाइट कलर का है सॉलिड, ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है,
अब इसको भी ट्राई करेंगे, सुखाएंगे ओवन में या धूप में, और उसके बाद इसको हम बेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सुखाने के लिए रख दिया है, अब बेक कर। तो देखा हमने कि आज हमने जो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट बनाया और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाया। तो ये हमने जो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हमारा जो है बेकेलाइट इशू किया है, एक सॉलिड हमें मटेरियल मिला है। अब इसको हम वे करेंगे। ठीक है, वे करने के लिए इसको हमने जो है मेन मशीन है पास, और ये हमने इसको वे करना है। लगभग 2.97 ग्राम, 2.97 ग्राम इसका वेट आया जो है, 2.97 ग्राम आया। और ये कलर जो है अभी हमें पिंक लग रहा है, लेकिन ये रखने के बाद कुछ देर बाद इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन। तो इस तरह हमने देखा हमारा रिजल्ट आ गया, फिजिकल अपीयरेंस क्या हो गया, बेकेलाइट रेडिश ब्राउन, और इसका वेट है 2.97। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरा हमारा जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी हमारा सूख गया है। ये देखिए हमने दे दिया है, ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सॉलिड है, देखना ये वाइट रंग का है सॉलिड, ये वाइट कलर का आया है। इसको भी हमने क्या किया, बेक कर लिया। वे कर लिया, ये आया है 4.70 ग्राम, 4.70 ग्राम, और इसका कलर है वाइट, फिजिकल एपीयरेंस है वाइट। तो इसका फिजिकल एपीयरेंस क्या हो गया, वाइट, और इल्ड जो है इसका वजन है कितना आया है, 4.70 ग्राम। तो इस तरह हमने जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बना दिया और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बना दिया। तो इस तरह हमारा ये पैटर्न जो है खत्म हो गया और हम क्या